एक बिटकॉइन ट्रेडर ने खुलासा किया कि पासवर्ड चोरी हो जाने के बाद उसने लगभग 15 करोड़ मूल्य की क्रिप्टो करेंसी गवा दी। उसने सोशल मीडिया पर अपनी इस कहानी को शेयर किया है। शख्स ने कहा कि अगर पासवर्ड चोरी नहीं किया गया होता तो वह आज करोड़पति होता। रेडिट यूजर टोमोको स्लैंगकार्ड ने इस घटना को आपकी क्रिप्टो करेंसी को लेकर डरावनी कहानी क्या है नाम के टाइटल से शेयर किया है। यूजर ने लिखा कि पासवर्ड चोरी हो जाने के बाद वह लगभग 2 मिलियन डॉलर मूल्य की क्रिप्टो करेंसी गवा बैठा है। शख्स ने दावा किया कि हैकर्स उस सर्वर में घुस गए जहां पर पासवर्ड सेफ था। उसने इन बिटकॉइन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इनक्रिप्टेड हार्ड ड्राइव में स्टोर किया था, लेकिन हैकर्स ने उस पर ही हमला कर दिया। शख्स ने कहा कि पासवर्ड चोरी हो जाने के बाद वह अपनी बिटकॉइन रकम को वापस नहीं हासिल कर पाएगा। बिटकॉइन ट्रेडर शख्स ने अपनी पोस्ट में दावा किया कि उसने शुरुआत में $20,000 का निवेश किया था। अगर पासवर्ड चोरी नहीं किया गया होता तो वह अब एक करोड़पति की जिंदगी गुजार रहा होता। टोमोको स्लैंगकार्ड की पोस्ट पर और भी कई यूजर्स ने ऐसी ही कहानी शेयर की है। एक शख्स से जब पूछा गया कि उसने पासवर्ड कैसे खोया तो उसने कहा कि बैकअप सर्वर हैक हो गया था। दरअसल कई लोग ऐसे हैं जो इस डिजिटल करेंसी का समर्थन करते हैं, वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो इसकी अस्थिरता और असुरक्षित होने पर इसका विरोध करते हैं। लोग अपनी एक छोटी सी गलती के चलते अपनी मोटी रकम बिटकॉइन में गवा बैठते हैं।